हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम. दिस इज द वॉइस यू हैव बीन लिसनिंग फॉर द पास्ट वन ईयर. एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड आस्क्ड यू वेदर आई शुड बी मेकिंग वीडियो ऑन स्पोकन इंग्लिश एंड आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स. सो दैट इज वाई आई एम हियर. इसीलिए मैं यहाँ हूँ. आज फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ आपके लिए. इसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी फोकसिंग ऑन दीज स्किल्स. ओके, ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. द मोर यू लिसन द बेटर यू बिकम इन स्पीकिंग. जितना सुनते हो उतना अच्छा आप बनते जाते हो बोलने में, जितना आप रीड करते हो उतना बेहतर बनते हो आप राइटिंग में. द मोर यू लिसन द बेटर यू बिकम इन स्पीकिंग, द मोर यू रीड द बेटर यू बिकम इन राइटिंग. ठीक है, तो ये चारों स्किल्स इस चैनल पे आपको मिलती हैं. रीडिंग के वीडियोज है, लिसनिंग के अभी आप सुन रहे हो, अदरवाइज ऑल्सो रीडिंग जब करते हो सो प्रोनंसिएशन वगैरह, नए वर्ड्स, न्यू एक्सप्रेशंस, ये सब आप सीखते हो. ठीक है, तो आज का जो लर्न इंग्लिश सेशन है, ठीक है, इसमें हम जनरली फोकस करेंगे वोकैबुलरी के ऊपर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, पार्ट वन, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू वर्ड्स. और जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे सीरीज कंटिन्यू करूंगी. इफ देर इज अ गुड रिस्पॉन्स एंड यू लाइक दिस वे ऑफ माई टीचिंग, देन आई विल कंटिन्यू. तो आइए शुरू करते हैं आज के वर्ड्स. आज का वोकैबुलरी सेशन शुरू करते हैं. अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट. आज के हमारे थ्री वर्ड्स कौन से हैं? अडेप्ट, अडेप्ट एंड अडॉप्ट. काफी सिमिलर लग रहे हैं आपको देखने में. तो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे तीनों का मीनिंग, इसके मीनिंग सीखेंगे. इनका प्रोनंसिएशन तो अभी आपको बता ही दिया है, एंड यूजेस किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हमारा वर्ड है अडेप्ट. सो यहाँ पे आप ये ध्यान रखो, एप्ट आपने सुना होगा, अप्रोप्रिएट को शॉर्ट में बोलते हैं एप्ट. ठीक है, एप्ट मीन्स अप्रोप्रिएट. उसी से आप, ये तो आपका एक ट्रिक बता रही हो जैसे कि कैसे आपको याद रखना है. तो अडेप्ट का मीनिंग हो गया अपने आपको ढालना एनवायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपकी परिस्थिति है उसके हिसाब से अपने आपको बदलना या ढालना. वही उसका मीनिंग लिखा है, टू एडजस्ट और मॉडिफाई टू सूट अ न्यू एनवायरनमेंट और सिचुएशन. अपने आप को ढाल लेना या थोड़ा चेंजेस ले आना परिस्थिति के हिसाब से या सिचुएशन स्थिति के हिसाब से. ये इसकी प्रोनंसिएशन है अडेप्ट. पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब. सो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अडेप्ट. अगर हम इसमें अडेप्टेड ईडी लगा लेंगे तो वर्ब सेकेंड फॉर्म बन जाएगी. थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है अडेप्टेड. नेक्स्ट देखते हैं इसका यूजेज देखते हैं. देखिए सेंटेंस में, एनिमल्स अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स टू सर्वाइव. जानवर क्या होते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से, आसपास के वातावरण के हिसाब से, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए. फिर नेक्स्ट है, टू यू मस्ट अडेप्ट क्विकली टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज. हमको भी यहाँ पे यू लिखा हुआ है कि आपको भी अडेप्ट ढाल लेना चाहिए अपने आप को क्विकली, तेजी से, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार. अडेप्ट का क्या हो गया, वर्ब फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेंटेंसेस में हमने इसका यूज देखा. अगर हम अडेप्ट का एडजेक्टिव बनाना चाहें तो हम अडेप्ट, ये जो वर्ब है ए डी ए पी टी, इसमें हम जोड़ देंगे ए बी एल ई, तो अडेप्टेबल बन जाएगा. यहाँ पे लिखा है वो उसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा. इसी में हम आई वी ई लगा ले अडेप्टिव, तो भी हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा ये वाला वर्ड. और इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में और जानकारी देते हैं. और ये वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड्स, जिसमें कोई क्रिया हो रही होती है. तो अडेप्ट हम अपने आपको ढाल रहे हैं, इसलिए ये क्रिया है, वर्ब है, इट इज इन द फर्स्ट फॉर्म अडेप्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडेप्ट. इसमें ई आया है बीच में, अडेप्ट. अडेप्ट मीन्स माहिर होना किसी काम में, ये है अडेप्ट. प्रोनंसिएशन ये है. पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव, क्योंकि जैसे मेरी क्वालिटी है, मैं अडेप्ट हूं, वट एवर, लाइक आई कैन से दैट आई एम अडेप्ट इन स्पोकन इंग्लिश, कि मैं माहिर हूं स्पोकन इंग्लिश में. ये सब सेंटेंस बनाया है मैंने. ठीक है, यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या है, हाईली स्किल्ड और प्रोफिशियंट इन अ पर्टिकुलर एरिया. किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में जो माहिर होता है, कोई बुनाई में हो सकता है, कढ़ाई में हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में हो सकता है, कोई बोलने में हो सकता है. ठीक है, तो अडेप्ट क्या हो गया, हाईली स्किल्ड, कोई प्रोफिशिएंट होता है जिस एरिया में भी, उसको बोलेंगे अडेप्ट, माहिर. और पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है. इसका भी एक बार यूजेज देख लेते हैं.
ये तो मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच, फॉर्म क्या है इसका एडजेक्टिव, और हम सेंटेंस में देखते हैं शी इज अडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल्स, कि वो बहुत माहिर है मुश्किल सवालों को सॉल्व करने में. ही बिकेम अडेप्ट एट मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स, वो माहिर बन गया मैनेज करने में, प्रबंध करने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर. अब जैसे कोई होता है अडेप्ट इन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स जो हाथों से चीजें बनाई जाती है उनको हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं. सो अडेप्ट क्या हो गया, माहिर होना किसी चीज में, ये एक क्वालिटी है, इसलिए ये है एडजेक्टिव. नेक्स्ट हमारा वर्ड है अडॉप्ट. अडॉप्ट टू टेक, यहां पे पहले प्रोनंसिएशन देख लीजिए, अडॉप्ट टू टेक अप फॉलो और एक्सेप्ट समथिंग, अपनाना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है अडॉप्ट, विच मीन्स अपना लेना किसी चीज को. टू टेक अप फॉलो और एक्सेप्ट समथिंग, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना किसी चीज को, और टू टेक ऑन समवन एज फैमिली, या जैसे अडॉप्ट ऐसे भी होता है कि हम गोद ले लेते हैं, उसके केस में भी हम अडॉप्ट यूज करते हैं. लेकिन वैसे क्या है दोनों केसेस में, अडॉप्ट एक तो हो गया गोद ले लेना, दूसरा क्या हो गया अपनाना कोई चीज को, टू टेक अप फॉलो और एक्सेप्ट समथिंग. ठीक है, प्रोनंसिएशन हो गई अडॉप्ट, और पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी वर्ब है, अगर हम इसमें ईडी लगा लेंगे अडॉप्टेड तो वर्ब सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी इसका होता है अडॉप्टेड. ये वर्ब क्यों है, क्योंकि ये कोई क्रिया हो रही है अपनाने की या गोद लेने की, इसलिए क्या हो गया ये भी वर्ब फॉर्म. नेक्स्ट देखती है अडॉप्ट के हम यूजेज देखते हैं. पहले दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, उन्होंने फैसला किया कि वो एक बच्चे को गोद लेंगे, अ चाइल्ड है एक बच्चे को गोद लेंगे. द कंपनी अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी, अब यहाँ पे है अपनाई, एक कंपनी ने एक नई पॉलिसी को अपनाया. दोनों केसेस में हमने दोनों अलग अलग रूप में इसका मीनिंग समझा कॉन्टेक्स्ट को लेकर. ठीक है, अडॉप्ट तो चाइल्ड क्योंकि गोद ले रहे हैं, और यहाँ पे स्वीकार अपना रहे हैं कोई नई पॉलिसी को. फॉर्म्स आपको बताया था अभी कि ये तो है वर्ब फॉर्म, लेकिन हम इसका एडजेक्टिव भी बना सकते हैं अडॉप्टिव. अडॉप्टिव IVE अगर इसमें जोड़ेंगे अडॉप्ट प्लस IVE तो वो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगी. देखिए अब एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, हमने तीन वर्ड सीखे हैं अडैप्ट, टू एडजस्ट और चेंज, अपने आप को अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेना. आप ऐसे याद रखना अडैप्ट जिसमें APT आता है, अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, तो याद रहेगा आपको. अब देखिए एप्ट जो ये है एडेप्ट, स्किल्ड या प्रोफिशिएंट, माहिर किसी चीज में, और एक है अडॉप्ट टू टेक और एक्सेप्ट, स्वीकार करना अपनाना. यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे, जैसे कि हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, तो OPT ऐसे याद रखना, ऑप्ट मीन्स अपने मन से ही हमने वो चीज ली है, ऑप्शन को अपनाया है, तो ऑप्शन से आप याद रखोगे अपनाना. और ये क्या है अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना, ये हो गया वर्ब, ये भी वर्ब हो गया, और अडेप्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है, स्किल्ड या प्रोफिशिएंट, माहिर. तीन वर्ड्स हमने याद किए हैं आज, अडेप्ट, अडेप्ट एंड अडॉप्ट. अब एक बार हम चेक करते हैं आपको समझ में आया है नहीं आया है. देखिए शी इज वेरी डैश एट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, इन तीनों वर्ड्स में से एक बार मैं लिख लेती हूं ताकि आपको सामने दिखेगा. तो अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट, ये क्या बताया था अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना, इसका क्या बताया था ऑप्शनल है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपनाना चाहते हैं नहीं अपनाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शनल मतलब अपनाना, ये हो गया प्रोफिशिएंट एडजेक्टिव है ये. अब बताओ शी इज वेरी डैश एट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, यहां पे आएगा आंसर अडेप्ट, माहिर है वो नई नई लैंग्वेजेस सीखने के लिए. यहाँ पे क्या आएगा ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होगा कि वो, क्योंकि यहाँ पे शी की क्वालिटी बताई गई है, शी इज वेरी क्या है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव इनमें से है अडेप्ट. उसी तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स है, अगर आपको समझ में आया है आप अपने आप पॉज करो वीडियो को, सोचो और ये सॉल्व कर लो, अपने एक पेपर में लिख लो. सो आपका पूरा रिवीजन भी यहीं के यहीं इसी वीडियो में हो जाएगा. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे करेक्ट आंसर्स लिखे हैं.
सो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। वह जल्दी से नई स्थिति में ढल सकता है। वह ही शी इट दे ढल सकता है तो ही हो गया, ही सकता है तो कैन, और ढालना क्या बताया था, अडेप्ट, जल्दी से, क्विकली, टू अ न्यू सिचुएशन, नई नई स्थिति के हिसाब से। ही कैन अडेप्ट क्विकली टू न्यू सिचुएशंस। तो यहां पे अडेप्ट क्या है हमारा वर्ब, क्योंकि इसमें कोई क्रिया हो रही है, वो अपने आप को बदल रहा है। अब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये क्विकली, वो है, सॉरी, यहाँ पे एडवर्ब, दिस इज एन एडवर्ब टू न्यू सिचुएशंस। एक और करते हैं, वह गणित में बहुत माहिर है, मैथ्स में। तो ही शी कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, जेंडर नहीं बताया। सो ही या शी, बहुत है तो वेरी, माहिर होता है अडेप्ट, और मे एट मैथ्स, शी इज वेरी अडेप्ट एट मैथ्स। देखिए यहाँ पे फिर से प्रेपोजिशन एट लगा है, एडजेक्टिव है, इट इज फॉलोड बाय एट प्रेपोजिशन। शी इज वेरी अडेप्ट एट मैथ्स, वो मैथ्स में बहुत माहिर है। एक और देखते हैं, क्योंकि तीनों सेंटेंसेस, तीनों वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में यूज किया है, उन्होंने एक नई नीति अपनाई। सो अडॉप्ट, अपनाना, ठीक है, ऑप्ट करना, अभी आपको बताया था ना, ऑप्ट हम अपने हिसाब से करते हैं, अपनी लाइकिंग के हिसाब से, उस तरीके से आप याद रख सकते हो। दे अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी, दे अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी, अपनाई, तो ये पास्ट टेंस में है, इसलिए हमारा वर्ब में सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, अडॉप्टेड हो गया, ईडी लग गया। सो फ्रेंड्स, हेयर आई वॉन्ट टू आस्क यू, इफ यू हैव लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो, सो यू कैन जस्ट गिव इट अ थम्स अप, आप लाइक कीजिए, और कॉमेंट्स देखकर बता सकते हो। कुछ आपको इसमें और इंक्लूड करना है वो भी आप बताइए, क्योंकि नई सीरीज में नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर सकती हूँ। सो जरा सा भी अगर आपको हेल्पफुल लगा है वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।